जमात शिशुम, मजमून जुग्राफिया, सबक नंबर 4, मौसम और आबहवा, मशकी सवालात के जवाब, पेशकश नरगिस शाहिद अहमद तुलवे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मौसम और आबहवा इस सबक के मशकी सवालात के जवाब देखते हैं। अलिफ, मैं कौन हूँ? नंबर 1, मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। जवाब, मौसम। 2, मैं हर जगह यकसा नहीं रहती। जवाब, आबोहवा। 3, मैं पानी की बूंद की ठोस शक्ल हूँ। जवाब, बर्फ। 4, मैं फिजा में बुखारात की शक्ल में रहता हूँ। जवाब, रुतुबत। बे जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, महाबलेश्वर की आबहवा सर्द क्यों है? जवाब, 1, सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं, वैसे वैसे हवा का दर्जा हरारत कम होता जाता है। 2, महाबलेश्वर सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले में बुलंद मुकाम पर वाक़ा है, इस वजह से महाबलेश्वर की आबहवा सर्द है। सवाल नंबर 2, साहिली इलाकों की आबहवा मरतूब होती है, वजह बताइए। जवाब, 1, साहिली इलाकों में समंदर का पानी गर्म होकर उसके बुखारात हवा में शामिल होते जाते हैं। 2, हवा में बुखारात का तनासुब ज़्यादा हो तो हवा की रुतुबत बढ़ जाती है, इस वजह से साहिली इलाकों की आबहवा मरतूब होती है। सवाल नंबर 3, मौसम और आबहवा के फ़र्क को वाज़े कीजिए। जवाब, मौसम और आबहवा में दर्ज ज़ेल फ़र्क है। 1, किसी मुकाम की मखसूस वक्त में मौजूद वक्ती फिजाई हालत को मौसम कहते हैं, उसके बरक्स किसी मुकाम के मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को आबहवा कहते हैं। 2, मौसम में मुतवातिर तब्दीली होती रहती है और उसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। आबहवा में तब्दीली लंबे अरसे के बाद होती है और वो आसानी से महसूस नहीं होती। सवाल नंबर 4, मौसम के अज्जा कौन से हैं? जवाब, दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा, रुतुबत, बारिश वगैरह मौसम के अज्जा हैं। सवाल नंबर 5, समंदरी नज़दीकी और सतह समंदर से बुलंदी का आबहवा पर क्या असर होता है? जवाब, अलिफ, समंदरी नज़दीकी का आबहवा पर असर। 1, समंदर के नज़दीक के इलाके में समंदर का पानी गर्म होकर बड़े पैमाने पर बुखारात हवा में मिल जाते हैं, इस तरह इस इलाके की हवा में बुखारात रुतुबत का तनासुब ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से आबहवा मरतूब हो जाती है। 2, इसके बरक्स समंदर से दूर के इलाके की हवा में बुखारात रुतुबत का तनासुब कम होता है, इस वजह से आबहवा खुश्क होती है। बे सतह समंदर से बुलंदी का आबहवा पर असर। 1, सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं, वैसे वैसे दर्जा हरारत कम होता जाता है, इस तरह बुलंदी पर आबहवा सर्द होती है। 2, उसके बरक्स सतह समंदर पर वाक़ा इलाके की सतह ज़मीन के करीब की हवा ज़्यादा गर्म होती है, इस बिना पर आबहवा गर्म होती है। जीम, आबहवा के मुतालिक दर्ज ज़ैल कैफियात से रब्त रखने वाले तुम्हारे पसंद के मकामात जदोल में दर्ज कीजिए। गर्म भोपाल, गर्म मरतूब मुंबई, सर्द कश्मीर, गर्म व खुश्क नागपुर, सर्द व खुश्क महाबलेश्वर।
दाल दी हुई जदोल मुकम्मल कीजिए। मौसम आबहवा, मौसम मुख्तसर फिजाई हालत, आबहवा तवील मुद्दती कैफियत। मौसम तब्दील होते रहते हैं, आबहवा तब्दील नहीं होती। मौसम मखसूस मुकामात के हवाले से जाहिर की जाती है, आबहवा मखसूस इलाके के हवाले से जाहिर की जाती है। मौसम हरारत हवा का दबाव, हवा रुतुबत बारिश, आबहवा के अज्जा दर्जा हरारत हवा बारिश रुतुबत हवा का दबाव। प्यारे बच्चों, ये आपके मश्की सवालात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।